हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज रिक्वेस्टेड, आप लोगों ने मुझे बोला था टू मेक अ वीडियो ऑन माय परफ्यूम्स, तो आप लोग तैयार हो? तैयार हो मेरी परफ्यूम्स देखने के लिए? तैयार हो? आ जाओ। अच्छा, दिस हैज बीन द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि एवरीबॉडी वांटेड टू सी माय परफ्यूम कलेक्शन। मुझे नहीं मालूम क्यों, मे बी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा परफ्यूम करती रहती हूँ। अच्छा, मेरे पास परफ्यूम की कलेक्शन बहुत ज्यादा है, मैंने गिनती तो नहीं की हुई, लेकिन मेरे पास बहुत सारी परफ्यूम्स हैं। मैं बहुत सारी बांट देती हूँ और फिर खाली हो जाती हूँ और फिर मैं भर लेती हूँ। तो मेरा परफ्यूम्स का शौक कुछ ऐसा रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको सारी तो नहीं दिखा पाऊंगी, कुछ ही दिखाऊंगी, खासकर वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसके साथ मेरी क्या स्टोरीज जुड़ी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यस, I love perfumes. किसी भी चीज से ज्यादा। Any given point of time, you ask me कि perfume gift चाहिए, तो मैं कभी मना नहीं करूंगी, किसी को भी मना नहीं करूंगी, आप लोगों को भी नहीं, सच बता रही हूँ। I'm mad for perfumes. So let's start with my first perfume. पहली perfume मैंने अभी कुछ ही time पहले ली है, but मैं ये use करती रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। This is called My Burberry. So this is one of my favorite perfumes, My Burberry Black, which is little intense. थोड़ा सा इसकी जो खुशबू है बहुत, मैं ये नहीं कह सकती कि लाइट है, काफी ज्यादा इंटेंस है, काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा अप्लाई करोगे एंड यू आर डन, लाइक थोड़ा सा स्प्रे। आई लव माय बर्बरी, एंड अगर आप ट्राई करोगे ना तो यू विल लव इट टू, आई एम टेलिंग यू। इसके साथ कोई मेरी स्टोरी नहीं जुड़ी हुई है, बस जैसे ही अविनाश मुंबई के बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ मुझे शॉपिंग का कीड़ा चढ़ता है और मैं कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। तो ये मैंने अभी हाल ही में खरीदी थी, जैसे ही मेरे को एक कीड़े ने काटा था कि अविनाश नहीं है कुछ खरीद ले, तो ये खरीद ली मैंने। सो माई फर्स्ट परफ्यूम, एंड आई थिंक मैं प्राइस रेंज आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, बट ऑल दीज ब्रांड्स, जब भी हम परफ्यूम्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं माल हो सकता, लाइक एवरी थिंग वुड बी अबव 6,000, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली बिकॉज मैंने 2-3 साथ में ली थी। सो ये एक है विच आई रियली लाइक, मेरी फर्स्ट परफ्यूम विच आई रियली रियली लाइक। ऑल राइट, माई सेकेंड परफ्यूम विच इज कॉल्ड कैरोलिना हरेरा, CH लिखा हुआ है, मैं तो इसको ना ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी, बड़ा पंजाबी टोन आ जाता है मेरा। सो बट देन ये अगर आपको याद हो तो मैंने मलेशिया से आते वक्त लिया था, तो जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं लोग उनको पता है कि मैंने ये वाला तब परफ्यूम लिया था, जबरदस्ती खरीदा था एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री से। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी नाइस परफ्यूम। इसमें ना मतलब बड़ा एक तो मैं आपको बता दूं, मुझे जो परफ्यूम्स है ना, मुझे बहुत ज्यादा लाइट परफ्यूम्स नहीं अच्छी लगती है, मुझे थोड़ी सी या तो इंटेंस अच्छी लगती है या फिर थोड़ा सा फ्रूटी होता है ना फ्लेवर, वो मुझे उसकी अच्छी लगती है। मुझे बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग शार्प परफ्यूम मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, वो जो स्पाइसी वाले होते हैं ना वो मुझे फ्रेग्रेंस आई डोंट लाइक। सो आई लाइक ऑल दिस फ्रूटी नाइस क्यूटी फ्रेग्रेंस, सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी नाइस परफ्यूम। एक स्प्रे मार भी लेती हूँ मैं अपने ऊपर, कहाँ गया। खरीद लो, मैं कह रही हूँ खरीदो इसको आज ही जाके कन्याओं, खरीद लो, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत थैंक्स करोगे तुम लोग। और जब अपने लिए खरीदो तो एक याद रखना कि तुम्हारी दीदी भी है जो व्लॉग बना रही है, उसके लिए भी लेना है, जिनका नाम है क्या, संभावना सेठ। इसकी शेप एक सैंडल वाली है, तो आप परफ्यूम्स लगाएं और अगर अपने पति से ज्यादा खुश ना हो तो ये सैंडल का भी काम करती है, तो पति भी घबरा के रहते हैं कि अगर बीवी परेशान हो गई तो ये सर पे भी पड़ सकती है। तो ये थी मेरी सेकेंड परफ्यूम। नाउ थर्ड वेरी वेरी इंटेंस परफ्यूम, आप मेरी सारी जितनी भी परफ्यूम्स देखोगे ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस वैसी वाली, मतलब उसी वाले लाइन पे आप देखोगे। दिस इज कॉल्ड ब्यूटीफुल बाय Estee Lauder। बहुत लड़कियों को ऑलरेडी इसके बारे में मालूम होगा, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। इसका ना एक अपनी ही एक मतलब ये क्लासिक फ्रेग्रेंस है। आई थिंक इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आई रिमेम्बर दिस परफ्यूम वॉज फॉर आई थिंक 8,000, 8.5, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती, बट ये एक्सपेंसिव परफ्यूम है। और मुझे याद है कि बहुत एक स्ट्रगल टाइम पे मुझे किसी ने गिफ्ट कर दी थी, तब मुझे इसकी वर्थ भी नहीं पता थी, बट वो स्ट्रगल से जुड़ी यादें आपकी ऐसी रह जाती है ना कि जब आप वो उस समय लगा लो या उस समय वो चीजें यूज करो ना तो आपके साथ जिंदगी भर रहती है। तो ये जो है मेरे स्ट्रगल टाइम की परफ्यूम है, ये वाली नहीं, मतलब ये वाला ब्यूटीफुल बाय Estee Lauder किसी ने गिफ्ट किया था, उसके बाद से
मेरे परफ्यूम्स में कोई परफ्यूम होना हो लेकिन ये जरूर होती है. सो दिस इज माय थर्ड परफ्यूम. ऑलराइट, सो दिस परफ्यूम इज कॉल्ड कैल्विन क्लीन वुमन. ये मैंने अभी एयरपोर्ट से लिया था जब हम लोग नेपाल से आए हैं. एंड दिस इज अ लिटिल स्पाइसी. ऑनेस्टली मुझे जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी परफ्यूम्स अच्छे नहीं लगती हैं, दिस इज नाइस. बट मैं ना इसको थोड़ा सा मिक्स करके लगाती हूँ. मतलब सिर्फ ये लगाऊंगी ना तो मेरे लिए थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, थोड़ी ज्यादा स्पाइसी है. सो मैं थोड़ा किसी और के साथ, लाइक इफ आई हैव एली साब, दिस इज अगेन अ वेरी नाइस परफ्यूम, इसके साथ मैं मिक्स करके या किसी और के साथ मैं मिक्स करके थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ ना तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि कौन सी वाली परफ्यूम है. एंड आई स्मेल वेरी नाइस. तो लोग पूछते हैं आपने कौन सी लगाई है, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसने एक्चुअली वाली कौन सी लगाई है. उनको पता ही नहीं होता कि मैंने दो मिक्स करके लगाई हुई है. तो इसके साथ मैं कोई भी मिक्स कर लेती हूँ. दिस इज अगेन अ वेरी नाइस परफ्यूम. दिस इज इंटेंस स्ट्रॉन्ग. दिस इज अ परफ्यूम बाय एली साब. ये इंटेंस है, ये स्ट्रॉन्ग है. ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम है. दिस आई रिमेम्बर वॉज फॉर आई थिंक सम 5,500, बट ये आई थिंक आई रिमेम्बर काफी एक्सपेंसिव थी. आई थिंक अराउंड सम 7,000 or 7,500. ओके, तो ये हो गई मेरी एली साब और ये हो गई मेरी सी के. सो ये रही मेरी पांच परफ्यूम्स. नाउ कम्स दिस इज कॉल्ड डेजी बाय मार्क जेकब्स. दिस इज अगेन अ वेरी, दिस इज अ लाइट परफ्यूम. ये बहुत हैवी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटेंस नहीं है, बट आई लाइक इट. कि मेरे को ना कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ अलग हो जाए. Then I use this. So this is, मैं ये तो नहीं कह सकती one of my favorite, no, but अच्छी लगी मुझे, that's it. But this is like okay, मैंने first time ये use करी है and this is just okay. महंगी है and just okay. So this is my sixth perfume. Now this perfume is called Clinique Happy Heart by Clinique. अभी Clinique के products जो होते हैं ना, in perfumes का जो price है वो expensive ही है. ये strong नहीं है, light ही है. It stays for a long time. आपका end तक, जैसा रात तक आप सुबह लगाते हो, रात तक भी खुद को भी खुशबू आती रहती है. So this is a very nice perfume. और इसकी ना एक कहानी जुड़ी हुई है, आपको बताती हूँ. ये मैंने खरीद ली थी परफ्यूम और खरीदने के बाद अविनाश था नहीं बॉम्बे में. और जब अविनाश आया बॉम्बे वापस, तो मैंने अविनाश को बोला कि मेरे पास परफ्यूम नहीं है. और मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने अविनाश से एक और खरीदवा ली. और अविनाश ने जब ये खरीद दी, तब मैंने अविनाश को बताया कि मैंने ऑलरेडी खरीदी हुई है, तो मेरे पास ये दो हैं. सो दिस इज लाइक फॉर सम 7,000 हो गया इन शॉर्ट कुंडा, बट आई लव दिस परफ्यूम. तो ये रही मेरी कुछ सातवां परफ्यूम का कलेक्शन. अब को बाकी दिखाती हूँ. ओके, दिस इज कॉल्ड गुची गिल्टी. अगर आप किसी गिल्ट में हो तो गुची गिल्टी लगाओ. ये मैंने दुबई से लिया था और मेरा दुबई जाने का मौका मिल नहीं रहा है मुझे. मैं जैसे जाऊंगी ना, शायद मैं और 25-30 परफ्यूम्स खरीद के आ जाऊंगी. दुबई इज नोन फॉर गुड परफ्यूम्स. आई रिमेम्बर मेरे पास ऊद भी था, बट ऊद खत्म हो गया. और दैट वॉज वन एक्सपेंसिव परफ्यूम, बट वो खत्म हो चुका है. सो मेरा जैसे ही दुबई जाने का मौका मुझे लगेगा, तो मैं फटाफट ये परफ्यूम सारी एक बार और खरीद के ले आऊंगी, तो मेरे पास स्टॉक जमा रहेगा. सो दिस इज या गुची गिल्टी, नाइस परफ्यूम. आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन परफ्यूम, एवरीबडी नोज अबाउट इट. लड़कियों को तो मालूम ही होगा आई एम श्योर. और ये परफ्यूम लड़कों के लिए नहीं है, लड़कों लगा के मत घूमना. ऑलराइट, सो दीज टू परफ्यूम्स आर फ्रॉम प्राडा. ये अलग अलग है. वन इज अ व्हाइट मिलानो, वन इज अ पिंक वन, बट इसका एग्जैक्ट इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता. बट दिस इज फ्रॉम प्राडा, एन एक्सपेंसिव परफ्यूम. बट मैंने ये जबरदस्ती, आई थिंक वन आई बॉट व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम मलेशिया. और एक बार मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी इन मुंबई इटसेल्फ, तो मैंने ये तब ली थी. तो ये दो मैं ट्राई करती हूँ और इसको मिक्स करके भी लगाती हूँ, तो इसकी अच्छी खुशबू आती है. सो इन शॉर्ट, जब भी मैं अविनाश का कुंडा करती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है. तो ये दो परफ्यूम्स है. इफ यू वांट टू ट्राई, नॉट वन ऑफ माय फेवरेट, बट या अब है तो मैं लगाती हूँ, अच्छी लगती है मुझे. ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि अच्छी नहीं लगती, बट या ओके ओके. राइट, तो ये परफ्यूम्स के बाद एक, ये मेरे ब्रदर ने गिफ्ट करी थी मुझे, एक्चुअली मैंने मार ली थी उससे. तो ये थी दिस इज अगेन एलोरिंग बाय सी के. आई थिंक लिखा ही नहीं हुआ है. अरे ये कोई सस्ता माल है भाई, इसकी तो कंपनी ही नहीं पता मेरे को. परफ्यूम तो अच्छी है, कंपनी नहीं पता. कंपनी इसकी भाई, कंपनी ही नहीं लिखी. एलोरिंग लिखा है बाय आई थिंक सी के ही लग रहा है मुझे तो. ये एक बार जरा फाइंड आउट कर लेना, देख लो. ये परफ्यूम बड़ा अच्छी है, मैंने तो मेरे भाई से मारी थी ये सोच के कि अच्छी परफ्यूम है, बट खुशबू तो अच्छी है. मुझे इसका ना वो कुछ मिट गया है ऊपर से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, डी के लिखा है या सी के लिखा है. भाग डी के भाग. ऑलराइट, नेक्स्ट परफ्यूम इज कार्टियर. आप देख सकते हो ऑलरेडी कितनी खत्म हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है. बट मैं ये मोस्ट कंजूसी से लगाती हूँ, बिकॉज वन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम. इसका ढक्कन ऐसा खुलता है
और ऐसे लगाते हो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, मैंने बचा के रखा है। जब भी मैं अच्छे किसी इवेंट में जाती हूँ, अच्छी पार्टीज में जाती हूँ, या मुझे बहुत अच्छी मीटिंग के लिए जाना होता है, तो मैं ये परफ्यूम लगा के जाती हूँ। आई थिंक दिस परफ्यूम की कॉस्ट जो है, आई रिमेम्बर इट इज फॉर सम 11 or 12,000। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्सेशन बाय सीके। ओके ओके, परफ्यूम है, अच्छे रेट पे मिल रही थी तो मैंने ले ली। बढ़िया ना, थोड़ा मतलब ऐसा लगता है जैसे ये लड़कों के लिए भी है, तो ये थोड़ा मुझे मर्दाना परफ्यूम ज्यादा लगती है, तो मैं कम ही लगाती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लगाती हूँ, कभी कभी लगा लेती हूँ, सोते टाइम भी लगा लेती हूँ। बड़ी ओके परफ्यूम लगी है, लेकिन इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस परफ्यूम ऑब्सेशन। इसकी बॉटल ज्यादा अच्छी लगी थी, ऐसे अंडे टाइप की, तो मैंने ले ली थी। ओके, नेक्स्ट परफ्यूम इज, आप एक और खाली सी बॉटल देख रहे होंगे, यार इतनी सी बची है, डॉल्चे गब्बाना। दिस इज अ नाइस परफ्यूम, वेरी नाइस परफ्यूम। ये भी मैंने दुबई से लिया था और मेरा ये स्टॉक खत्म हो रहा है, तो आई वॉन्ट टू बाय अनदर वन, एंड आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस ऑफ दिस परफ्यूम, बट आई गेस इट शुड बी समवेयर अराउंड 6 or 7,000। बट ऑल दीज ब्रांड्स, जब भी क्या होता है, जब भी आप ब्रांड्स ये वाले लेते हो ना, कोई भी ब्रांड लेते हो, तो महंगा तो देखो होता है, पॉकेट तो देखो खाली होती है, शेंडी तो आपको लगाते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, आपका शौक है। मेरा एक एक मेरी मुझ बिचारी का यही शौक है, अब मैं वो भी पूरा नहीं करूं, ये रही। ओके, सो द नेक्स्ट परफ्यूम इज, ओके दिस इज अ वेरी नाइस वन, क्लोई द लव स्टोरी। सो ये मैंने अभी रिसेंटली लिया था, कैसे खुलेगा, या सो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ज्यादा लाइट नहीं है, बहुत बीच की है। सो दिस इज कॉल्ड द लव स्टोरी, तो अगर किसी को अपनी लव स्टोरी को अंजाम देना हो तो ये परफ्यूम लगा के जाए, अंजाम मिल जाएगा ना में, क्योंकि लव स्टोरी वाली कोई ऐसी बात नहीं है इस परफ्यूम में, ठीक है ना, अच्छी है परफ्यूम, पैसा ज्यादा दे दिया इसका, महंगी है, क्लोई महंगा ही है। नेक्स्ट परफ्यूम इज कोको शनेल, ये सबको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता, इट्स क्वाइट अ फेमस परफ्यूम, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने खरीदी थी, बट आई कांट एक्सप्लेन। अगर आप मुझे ये बोलोगे ना कि अब मैं इनकी खुशबू आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं नहीं कर सकती, सिर्फ ऐसा स्प्रे मार के दिखा सकती हूँ, सूंघ लो। दिस इज कॉल्ड ओलंपिया, ये मुझे गिफ्ट मिली थी, बहुत ही प्यारी परफ्यूम लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी, इसका भी काफी इंटेंस, इसका काफी इंटेंस फ्रेग्रेंस है, तो आप लगा के देख लो, आई खुशबू आई, खुशबू आई, ये भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी परफ्यूम्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और बहुत सारी अभी रहती है जो कि अभी तक पैक्ड ही है, वो अपने डब्बों से बाहर नहीं आई है, बिकॉज जितनी मेरे पास यहाँ पे जगह है रखने के लिए उतनी ही मैं रख पाई हूँ, बाकी अंदर अलमारी में मैंने रखी हुई है। सो मे बी सम अदर टाइम जब मैं आपके लिए दोबारा से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी परफ्यूम्स पे, मैं बना सकती हूँ, कितने भी वीडियो बना सकती हूँ, बार बार अपनी परफ्यूम्स में आपको दिखा सकती हूँ, बिकॉज आई लव परफ्यूम्स, और मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको वाली परफ्यूम भी देखने के लिए मिल जाएंगी, वाली परफ्यूम देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि तब तक वो खुल चुकी होंगी, अभी तक वो खुली नहीं है। तो आप लोग मुझे ये जरूर बताइए कि आपको ये मेरा परफ्यूम कलेक्शन कैसा लगा, जो कि मच रिक्वेस्टेड था, मच अवेटेड था, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। प्लीज मत बोलना कि मेरी परफ्यूम्स अच्छी नहीं है, मैंने बहुत प्यार से रखी है, मेरे को बहुत प्यार है अपनी परफ्यूम्स से, और अगर किसी ने भी मेरी परफ्यूम्स को कुछ गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, डू राइट शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। सो या दिस इज एन एक्सपेंसिव परफ्यूम, या सो दिस इज एन एक्सपेंसिव परफ्यूम, सो या दिस इज एन एक्सपेंसिव, हाँ तो ये काफी एक्सपेंसिव परफ्यूम है, हाँ तो ये काफी एक्सपेंसिव परफ्यूम है, क्योंकि अभी ना गुस्सा क्यों कर रहे हो पीछे से, ये एक्सपेंसिव परफ्यूम है, अगली पे चलते हैं।